हाँ जी मित्रों, स्वागत करते हैं तुहाडा सब दा साडे चैनल के स्टडी पॉइंट दे विच। लैके हाजिर हां दोस्तों 8वीं जमात वालों दे लई साइंस दा पेपर, जो कि फुल सॉल्व आउट वीडियो होण वाली है। इसलिए वीडियो दे लास्ट तक बने रहना दोस्तों, चंगी तरह ध्यान नाल वीडियो नूं वेखते रहना ताकि चंगी तरह तुहानूं जो कि पेपर है वो याद हो सके। तो दोस्तों चैनल दे नवें दा चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना, घंटी ते क्लिक करके ऑल ते सैट जरूर कर देना। तो दोस्तों सब तो पहला आ जाऊगा भाग उड़ा, ये सारे प्रश्न जरूरी हैं, हरेक प्रश्न एक अंक का है। हाँ जी, पहला प्रश्न आजूगा, जसवीर ने अपने खेत विच मुख फसल नाल उगे हुए कुछ बेलोड़े जंगली पौधे वेखे, इन्हां बेलोड़े पौधे नूं खेतों विचों हटाउण दी क्रिया नूं की कहिंदे हन दोस्तों? इन्हां इहदा आंसर आ जाओ दोस्तों गुड़ाई। तो फलीदार पौद्या दी जड़ां विच गंढां हुंदियां हन, उन्हां विच रहण वाले सूक्ष्म जीवां नूं की आखदे हन? उत्तर आ जाओ दोस्तों राइजोबियम बैक्टीरिया। तो दोस्तों अगे आजूगा, हेठ लिखा सूक्ष्म जीवों विचों किहड़े सूक्ष्म जीवों नूं सिर्फ सूक्ष्मदर्शी नाल ही वेख्या जा सकता है? उत्तर की आ जाओ दोस्तों ए सारी। तो अगे आ जाओ, खमीर की वरतों किस की तैयारी लई कीती जांदी है? खंड, एलकोहल, हाइड्रोक्साइड एसिड ते ऑक्सीजन। दोस्तों उत्तर आ जाओ एलकोहल। हाँ, द्वारा लगाया गया दाब गहराई वधन नाल की हुंदा है दोस्तों? वधदा है। तो पाचन क्रिया दौरान भोजन नाली विच भोजन अगे वल धक्या जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाऊगा पेशी बल द्वारा। एक टैडपोल जिस प्रक्रिया द्वारा प्रोड विच विकसित होता है वह है दोस्तों काया परिवर्तन। एक हाइड्रा की वंड नाल दो या दो तो वध हाइड्रा पैदा होते हैं, इस प्रक्रिया के अलंगी प्रश्न की कहते हैं दोस्तों? उत्तर आ जाओ बड़िंग। हेठ लिखा विच केड़ा बिजली कुचालक है? उत्तर की हो जाओ दोस्तों शुद्ध जल। हेठ लिखा विच केड़ा बिजली का कुचालक नहीं है? उत्तर आ जाओ तांबा। इलैक्ट्रोलाइट के घोल विच बिजली धारा लंघाउण नाल की प्रभाव हुंदा है? उत्तर आ जाऊगा रसायनिक प्रभाव। तो दोस्तों अगे आ जाओ 12वां क्वेश्चन, साडी सरकार राही प्रोजैक्ट टाइगर कानून कदों लागू किया गया सी? उत्तर की हो जाओ दोस्तों 1 अप्रैल 1973। किस गैस के लेवल वधन कारण ग्लोबल वार्मिंग होंदी है? CO2। इसका आंसर आ जाऊगा। हेठ लिखा विच केड़ा प्रवासी पंछी है? उत्तर की हो जाओ दोस्तों आड़ा सुरखाव। हेठ लिखा विच केड़ा जलनशील पदार्थ है? उत्तर की हो जाओ लोहे के किला अते कच कागज पत्थर का टुकड़ा। उत्तर की होजूगा इस लिए दोस्तों कागज। दहन लई जरूरी शर्तां, उत्तर आ जाऊगा आड़ा बालन हवा ते ताप। हेठां लिखियां विच किस दा सब तो नीवन जलन तापन है? उत्तर आ जाऊगा LPG। ते अगे दोस्तों भाग आड़ा आजूगा, ये सारे प्रश्न जरूरी हैं, हर एक प्रश्न दो अंक का है। खेती की परिभाषा दो। उत्तर आ जाओ खेती, खेतों विच फसलां दे उगाउण दी प्रक्रिया नूं की कहिंदे हन? प्रक्रिया नूं खेती आखदे हन दोस्तों। नदीनाशक की हन? नदीनाशक ओह रसायनिक पदार्थ जो नदियां नूं हटाउण ते उहनां दे वाधे नूं काबू रखण लई खेतों विच छिड़के जांदे हन, उहनां नूं नदीनाशक कहा जांदा है। सूक्ष्म जीव की हन? सूक्ष्म जीव ओह छोटे जीव हन जो नंगी अख नाल देखे जा सकदे हन। अमीबा सूक्ष्म जीवां दे किहड़े वर्ग विच आउंदा है? अमीबा सूक्ष्म जीवों के प्रोटोजोआ वर्ग विच आउंदा है। संपर्क बल की है? संपर्क बल ये बल जो कि वस्तुओं के आपसी संपर्क विच आउण ते लगता है, संपर्क बल कहाउंदा है। अलिंगी प्रजनन विच किन्ने जीवों की लोड़ हुंदी है? उत्तर आ जाओ एक जीव की लोड़ हुंदी है। बिजली चालक की है? उत्तर आ जाओ दोस्तों बिजली चालक अजिहे पदार्थ हन जो अपने विचों बिजली धारा प्रवाहित होने दिंदे हन, बिजली चालक अखवाउंदे हन। इलैक्ट्रड की है? इलैक्ट्रड बैटरी नाल जोड़न दे लई बिजली चालक विच वरती जाण वाली धात दी छड़ी इलैक्ट्रड कहाउंदी है। प्रकाश संश्लेषण दे पौद्यां नूं कीड़ी गैस की लोड़ हुंदी है? पौद्यां नूं प्रकाश संश्लेषण लई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लोड़ हुंदी है। प्रजातियां की परिभाषा लिखो। प्रजातियां जिस संजीवों की समिष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे नाल अंतर जनन करन दे समर्थ है। जालन की है? जालन यह एक अजिहा प्रक्रम है जिस विच पदार्थ नूं ऑक्सीजन जलाउण नाल ताप ते प्रकाश पैदा हुंदा है। ते दोस्तों अगे आ जाओ 12वां क्वेश्चन, लकड़ी का कोला लकड़ी की तुलना विच वधिया
बालन क्यों है? उत्तर है जी दोस्तों, लकड़ी के कोले का कैलोरी मुल लकड़ी के कैलोरी मुल नालों वध है, इसलिए लकड़ी का कोला लकड़ी की तुलना में एक वधिया बालन है। अगे आ जी दोस्तों भाग ईड़ी, ये सारे प्रश्न जरूरी हैं, हरेक प्रश्न 3 अंक का है। जेकर कणक नूं खमीर सौनी के मौसम बीजे जाए तो की होगा, वर्णन करो। उत्तर जी दोस्तों, कणक की एक रबी फसल है, अर्थात वह सर्दी की रुत विच हुंदी है, इसनों घट तामा घट पानी की लोड़ हुंदी है। जे कणक नूं खमीर या वर्खा रुत विच बीजा जाए तो इसनों वध पानी मिलने कारण कणक फसल मर जाएगी या फिर अवस्थ पौधे उगणगे। पिसे हुए चावल ते दाल मिश्रण खट्टा किवें बनाया जाता है? उत्तर जो दोस्तों, पिसे हुए चावल अते दाल दे मिश्रण नूं कुछ देर तक पै रहन देन नाल ये खट्टा हो जाता है। यह खमीर कोशिकावां दा वाधा करता है जो मिश्रण नूं फुलण अते खट्टा करन विच सहायक है। अगे तीजा क्वेश्चन आजूगा, एक वस्तु दे बल लगन ते नतीजे लिखो। बल लगन नाल वस्तु ते प्रभाव, गति विच परिवर्तन, बल वस्तु दी गति बदल सकदा है, दिशा विच परिवर्तन, बल नाल गति दी दिशा विच परिवर्तन हुंदा है, गति ते दिशा दोनों विच परिवर्तन, बल वस्तु दी गति अते दिशा दोनों नूं बदल सकदा है, आकृति अते आकार विच परिवर्तन, बल नाल वस्तु दी आकृति अते आकार दोनों बदले जा सकदे हन। संजीवां लई प्रजनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाओ। उत्तर जी दोस्तों, संजीवां विच प्रजनन दी महत्ता, ये जीवां विच योग्यता है कि जिस द्वारा वह अपने वर्गे जीव पैदा करते हैं। प्रजनन नाल प्रजातियों का वाधा होता है, यह जैविक प्रक्रिया उत्तजीवता ते लगातार बनाई रखने लिए जरूरी है। इस नाल अनुसिकता अते होर गुणा की अगली पीढ़ी में स्थानांतर भी होता है। बिजली अवघटन की है? उत्तर जी दोस्तों, बिजली अवघटन बिजली के प्रवाह कारण रसायनिक योगों के घोल का अवघटित होना बिजली अवघटक अखवादा है। जो तेजाब युक्त पानी विच बिजली धारा प्रवाहित होती है तो यह अपने संघटक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विच टुट जाता है। हाइड्रोजन कैथोड उपर ऑक्सीजन एनोड उपर इकट्ठी होती है। तो छेवां क्वेश्चन आज, सानू कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए है? उन्हां क्रियावां की सूची बनाओ जिन्हां नाल तुसीं कागज़ की बचत कर सकते हो। उत्तर जो, 1 टन कागज़ पैदा करने लई 17 हरे भरे पेड़ चाहिए हैं, इसलिए सानू कागज़ की बचत करनी चाहिए है। कागज़ का 5-7 बार मुड़ चक्करण हो सकता है, सानू कागज़ नूं बचाना चाहिए है। उद्योग विच आए कागज़ नूं मुड़ वरतों विच लिआउणा चाहिए है अते मुड़ चक्कर कर देना चाहिए है। इस नाल जंगलों के नाल नाल पानी अते ऊर्जा की बचत होंदी है, हानिकारक रसायनिकां दे उपयोग विच कमी आउंदी है। तो दोस्तों, 7वां क्वेश्चन आज, जंगलों के रख्याण तो भाव है, हवा पानी अते मिट्टी सुरक्षण वर्णन करो। उत्तर जी दोस्तों, जंगल एक गुंजलदार जैवमंडली तंत्र है, चाहे खुद काफ़ी है, फिर भी यह दूसरे नवीकरण पदार्थ ते अपने रख रखाव लिए निर्भर करता है। इसलिए जंगलों की सुरक्षा दे लई हवा मिट्टी अते पानी का सुरक्षण बहुत जरूरी है। जंगल जलवायु दी हालत ते निर्भर करते हैं, समय भूगोलिक परिवर्तन विच बन बना ते खाना खोदना, इस नाल उस दे खेत्र दे जंगल ते वातावरण नष्ट होने नाल बुरा असर पैंदा है। उद्योगों द्वारा फैले हवा प्रदूषण का दुष्प्रभाव जंगलों ते बहुत पैंदा है, जदों कि उद्योग मिलना दूर होंदे हैं। तो 8वां क्वेश्चन आज, जलन ताप जलनशील पदार्थ जलन लई इक जलन जलन विच जरूरी लोड़ां ते संदर्भ विच व्याख्या करो। उत्तर जी दोस्तों, जलन ताप यह एक निम्न ताप है जिस ते बालन अग फड़ लैंदा है। हरेक पदार्थ का जलन तापमान निश्चित हुंदा है, जिस तो घट तापमान ते यह अग नहीं फड़ता। जलनशील पदार्थ एक पदार्थ सौखे ही अग फड़ लैंदे हैं, कागज़ LPG या कपड़े जलनशील पदार्थ आदि। जलन दे लई सहायक वह पदार्थ जो बालन या जलनशील पदार्थ की जलन विच सहायता करते हैं। पेट्रोल LPG वर्गे जलनशील पदार्थ उदों तक नहीं जलते जदों तक जलन विच सहायक या ऑक्सीजन की वध मात्रा ना मौजूद होवे। तो दोस्तों, अगे आ जाओ भाग 6, ये सारे प्रश्न जरूरी हैं, हरेक प्रश्न 5 अंक का है, कोई 3 प्रश्न उत्तर दो। खाद परीक्षण तो की भाव है? खाद परीक्षण दियाँ वख-वख विधियां दा वर्णन करो।
उत्तराज दोस्तों खाद परीक्षण वह विधि है जिस द्वारा खाद पदार्थों नूं संतुष्ट होने तो बचाया जा सके अते लंबे समय तक उसके पोषक तत्वों नूं रख्या जा सके। खाद परीक्षण कहाउंदा है ते खाद परीक्षण दीआं विधियां निर्जलीकरण अते धुप्प विच सुकाउणा। तो दोस्तों इन्हां दे पॉइंट इस प्रकार हो जाएंगे, तुसीं देख लैणा एक बार पढ़ लेना। तो दूजा क्वेश्चन आ जाओ, वल किन्नी तरह के होंगे हैं, हरेक का उदाहरण दो। तो दोस्तों उत्तर आज दोस्तों बल दे बल किन्नी प्रकार के होंगे ना, जो कि तीन रहन ते चा दो चौथा ते पंजवां आ रहा, बाकी तुसी तीजा कर लो। हाले जिमें कि अलगी प्रजन दियां परिभाषा लिखो, जंतुआ विच अलगी प्रजन दियां दो विधियां दा वर्णन करो, जो कि अलिंगी प्रजनन इस प्रकार आ जूगा। जनन प्रजनन की वह किस्म जिस विच सिर्फ एक ही जीव भाग लेंदा है, अलिंगी प्रजनन का होंदी है। जंतुओं विच अलिंगी प्रजनन दीआं विधियां हेठ लिखियां ने, दो खंडन ते वड़िंग, ये तुसीं पढ़ लैणा दोस्तों इसदे पॉइंट। तो अगे आ जूगा जंगलों के कुछ लाभ लिखो, जंगलों के लाभ प्रकार इस प्रकार हो जाएंगे दोस्तों, जो कि बहुत सौखा है, असं बचपन तो करते आ रहे हैं, किवें आपां जंगलों के कुछ लाभ जिहड़े लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगे देख सकते हो मोमबत्ती की लाट के वक् वक् भागों का चित्र सहित वर्णन करो। हाँ जी दोस्तों, मोमबत्ती की लाट के खेत्र के तीन मुख्य भाग हैं, अंदरूनी दीपत ते अदीपत, जो कि दोस्तों इस प्रकार हो जाएंगे। तो इन्हां दे पॉइंट इस प्रकार हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह तुहाड़ा पूरा क्वेश्चन पेपर जिहड़ा हल हो चुका है। जेकर तुहानू होर भी किसी प्रकार का पेपर चाहिए है तो तुसीं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो जेकर तुसीं साडे चैनल ते नवें आ ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना, तो घंटी ते क्लिक करके ऑल ते सैट जरूर कर देना। जेकर तुहानू होर दोबारा वीडियो देखनी है तो दोबारा वीडियो देख के एक बार तुसीं फिर तो याद कर लेना पेपर। तो दोस्तों चंगी तरह इन्हां पेपर नूं याद करके जाना, आपां मिलदे हां अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स।